हूँ तो वी वॉज यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हीरा एच टीवी की जानब से आज हम आपको एक मर्ज के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि दर्द-ए-शटीका के बारे में बताने जा रहे हैं और इसकी मेडिसन होम्योपैथिक में वो आपको बताएंगे। तो वी वॉज आपका आपको दर्द-ए-शटीका का मसला है तो वीवोज आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये दर्द-ए-शटीका बिल्कुल पहले हफ्ते में ये चली जाएगी। जो जो दर्द-ए-शटीका है ये आम दाईं साइड पे होती है और कमर के कूल्हे से लेकर पिछली जानब होती हुई ये टखने तक जाती है और पाँव तक ये जो है दर्द जाती है। तो इसके लिए आपने काफ़ी टोटके काफ़ी मेडिसन इस्तेमाल कर चुके हैं तो वीवोज ये आज की मेडिसन होम्योपैथिक की इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो दर्द-ए-शटीका है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें यानी कि दर्द-ए-शटीका में काफ़ी वर्जिश भी होती हैं, वर्जिश भी कर सकते हैं। तो आप ये मेडिसन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पहले रोज़ ही में आपको फ़ायदा होगा क्योंकि दर्द-ए-शटीका में ज़्यादा खड़ा होना भी बेहतर नहीं होता, ज़्यादा बैठे रहना भी बेहतर नहीं होता। तो आप ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते तो वीवोज इस किस्म की आपको यानी कि दाईं साइड की जो टखने से लेकर कमर तक ये दर्द है तो आप ये मेडिसन इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपको दर्द-ए-शटीका का मसला है तो पहले आपने मेडिसन इस्तेमाल करनी है गुलूसंत, ये आपने 30 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और ये आपने 3 टाइम 5 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। तो ये आपने तकरीबन 4 से 5 रोज़ इस्तेमाल करना है तो इससे आपकी दर्द फौरन कम हो जाएगी। तो अगर इस मेडिसिन से आपको फ़ायदा नहीं होता तो वीवोज आपने ये दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो ये आप यानी कि ये आप माई फास ये मेडिसन आपने 30 में यूज़ करनी है और ये आपने 3 दिन इस्तेमाल करनी है, 5 कतरे सुबह और 5 दोपहर को, 5 रात को। इसी तरतीब से आपने 3 रोज़ ये मेडिसन माई फास्ट 30 में यूज़ करेंगे। तो आप ये ग्लूसंत पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो अभी तक कुछ इस मेडिसन से आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आपने माई फास्ट यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह ये आपकी दर्द-ए-शटीका पहले रोज़ ही में ख़त्म हो जाएगी। और साथ ये इसके अलावा अगर इससे भी आपको नहीं फ़ायदा होता तो नफेलिया मेडिसन होती है, ये आपने 200 में ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है और ये आपने 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर को, 5 रात को इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से ये आपका दर्द-ए-शटीका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो मैंने पहले 3 मेडिसन आपको बताई हैं इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे क्लिनिक पे काफ़ी पेशेंट आते हैं और उनको हम यही मेडिसन रेकमेंड करते हैं और इस्तेमाल करवाते हैं तो उनकी ये दर्द-ए-शटीका ख़त्म हो जाती है। तो वीवोज अगर ये 3 मेडिसन आपने यूज़ कर ली हैं तो फिर भी आपकी दर्द यानी कि एक दर्द-ए-शटीका की दर्द जो होती है दिन को कम हो जाती है और रात को ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप ये रूटा मेडिसन 200 में ये मेडिसन इस्तेमाल करेंगे और ये आप 3 कतरे सुबह, 3 दोपहर को, 3 रात को इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से दर्द-ए-शटीका आपका ये पहले रोज़ में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने प्रॉपर 3 रोज़ इस्तेमाल करनी है तो इंशाल्लाह ये दर्द-ए-शटीका आपका ख़त्म हो जाएगा। तो भी वो दोस्त जिनको दर्द-ए-शटीका का मसला है और जब वो चलते फिरते हैं तो उनकी दर्द तेज़ हो जाती है तो भी वो आपने ये मेडिसन बरोनिया QH ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है और ये आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे रात को इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह जो चलते फिरते हैं तो उनको दर्द ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो आपने ब्रोनिया क्यू में यूज़ करनी है और इस तरतीब से आपने ये मेडिसन 4 से 5 रोज़ ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है। तो वीवोज
जो दोस्त जिनको दर्द शिकीका है और वो बैठे रहते हैं, और बैठे रहने से भी उनको दर्द जो है ज़्यादा हो जाती है और दर्द शिकीका बढ़ जाता है बैठे रहने से, तो आपने काली कैट ये मेडिसन 200 में ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है, और ये आपने 3 कतरे सुबह 3 कतरे रात को इस्तेमाल करने हैं, और ये आपने 5 रोज़ इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह जो बैठे रहते हैं तो उनको दर्द शिकीका होती है, तो उससे बैठे रहने से फिर ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आपने ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है। तो भी वो जो जिन दोस्तों को दर्द शिकीका है और चल फिर भी, जिन लोगों को दर्द शिकीका का मसला है और चल फिर भी रहे हैं, तो उनको फिर जो पहले मैंने आपको मेडिसिन बताई है, तो वो मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद अभी तक उनको फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, रास्टेक्स 200 में ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, और ये मेडिसिन आपने 5 कतरे सुबह 5 कतरे रात को इस्तेमाल करने हैं, और इसी तरतीब से आपने 5 रोज़ मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। यानी कि ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, पहले वाली मेडिसिन जो आपको बताई है वो यूज़ करें, अगर उससे फ़ायदा नहीं हुआ बोरोनिया यूज़ करें, अगर उससे भी नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर रास्टेक्स ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ये 1 हफ्ते में दर्द मुकम्मल और प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगी। तो भी वो इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। शुक्रिया, वसल।